the loser. In the flush of love, life will dare to break, and suddenly we see that love costs all we are and will never be. Yet it is only love that sets us free. आप तालियां बजा सकते हैं, बिल्कुल बेहतर आपको ये बात नहीं लग रहा आपको। Work with many Bollywood celebrities and of course
won many accolades internationally also. Ladies and gentlemen, we have with us Sri Dilip Singh Chauhan, Chief of Sports Authority of India, who has been imparting his expertise for the last 30 years, and he has been imparting his expertise in various parts of the country and produced many swimmers, coaches, including CRPF, BSF, CASF, Indian Army. Sir, we welcome you and request Kaji Sahab to please come forward to welcome Dilip Singh Chauhan. और
हम चाहते हैं समाज इसके आगे है और जहाँ जो आपकी नैसर्गिक प्रतिभा है अगर आप विद्यार्थी को उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आगे जाते हैं ठीक है वैसे मैं कहने की और ये आपको निर्देश होगा कि मदद मिल जाए कि आज पूरा देश योगा पे अभिमान कर रहा है जिससे पहले आप गोल्ड मेडल ओलंपिक में मिला है कौन जानता था चुप करो जरूर बातें लेकिन आज जब तक ऑप्शन हो रहा था आप सबको पता होगा कि उसके पानी की जो ऑप्शन है वो एक रोज से शुरू हुई थी हमारे यहाँ की प्रतिभा है लेकिन आगे जाने नहीं दिया तो जो सीजन फर्स्ट है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला सीजन में मजबूरी बना और आज हमारे सामने हमारे पास कम से कम 500 एंट्रीज थी अलग अलग क्षेत्रों में चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो म्यूजिक हो चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज हो चाहे ड्राइंग हो पेंटिंग हो हमने से क्योंकि कोरोना के मतलब जितने भी सेलेक्टेड लोग बुलाए हम चाहे अगली बार हम इसको और बड़े लेवल पर करें ताकि ये वो व्यवहार ही नहीं पूरा राजस्थान से पार्टिसिपेट करें और उसमें सभी आपका सहयोग चाहूंगा कि जब भी कोई प्रतिभा हो उसको मोटिवेट करें या सपोर्ट करें और इस आयोजन को सवालों में बदलने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है और एक छोटे से वाक्य साथ खत्म करूंगा तू रख यकीन बस अपने आप पर तू रख यकीन बस अपने आप पर कल तू जरूर कामयाब होगा जो लोग तुझे नाकामयाब समझते हैं कल तो वही की बड़ी मिसाल दे आपने कहा मैनेजमेंट का शिक्षक हूँ मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ और काम आपने सारे लिटरेचर वालों के वो यहाँ लिटरेचर के लेते हैं तो उनको तो टेंशन होगी होगी कि ये मामला गड़बड़ है ये पहले यूनिवर्सिटी अल्टीमेटली घर क्या है मैं इस मन से उन लोगों का भी स्वागत करता हूँ जो आज पेरेंट्स और मेंटर्स हैं आप जैसे कई प्रतिभावान छात्रों के आज अगर वो नहीं है तो शायद हम इस प्रांगण में इस हॉल में नहीं हो सकते आज अगर हमारी किसी दौड़ में हम अगर आगे हैं तो वो शायद लेकिन जैसा कि डॉक्टर शंकर चौधरी ने कहा हम बिल्कुल अगली बार यहाँ नहीं करके ओपन थिएटर में करेंगे जहाँ 1000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं अभी ध्यान दिया जरा सिर्फ टॉपर ही नहीं हर कोई बन सकता है सुपर स्टूडेंट एक जुनून आप में होना चाहिए आप में कुछ कर गुजरने की कैपेसिटी होनी चाहिए होना चाहिए मैं एक लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ और आप मान के चलिए एमए प्रीवियस के अंदर 42% आए मुझे लगा है 42 से होता ही क्या है जनरल कास्ट के अंदर 55 भी है तो पीएचडी नहीं होगी तो बीएडी करूंगा तो नौकरी भी नहीं मिलेगी सबने कहा था जनरल से तेरे रिश्ता नहीं है 42% और देख लीजिए तो 42 वालों का कहीं वैल्यू भी नहीं है हमारे पास एजुकेशन से रिलेटेड बल्कि एजुकेशन से रिलेटेड सारे के सारे एमए फाइनल ईयर के अंदर इतनी मेहनत करी कि 88 आए और उस 58 के अंदर भी सेकंड पोजीशन भी यूनिवर्सिटी में और वो तो फर्स्ट थ्री वो तीन नंबर से ज्यादा उससे ज्यादा कुछ नहीं फर्स्ट डिवीजन इसके भी नहीं था मेरे को ये तो नहीं है कि मैं डिवीजन फर्स्ट नहीं आया लेकिन ये सुकून था कि जो फर्स्ट आया उसको बहुत सफल डिवीजन आ गया सेटिस्फेक्शन एंजॉय द सेटिस्फेक्शन तो आगे बढ़ते हुए किसी ने बिल्कुल सही कहा एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे
Education is the most powerful weapon we can use to change the world. And Dr. Shankar Choudhary has rightly said that change is inevitable. And we have to accept it. We have to ready to check up. We have to ready to accept the change. And from this, dies from this all. I appeal to all to please always ready to accept the change. The moment you accept the change, you are a successful personality wherever you stay. With these words, I invite our Honorable President, Professor K.K. Dave Saab, to come forward, who has always been a torch, who has always been a light, who has always been showing the path where we all faculty can go and reach to the destination very successfully. Professor Krishnakant Dave, Honorable President, Pahai University. Respected Shriman O.P. Ambedkar Sahab, Shriman P.S. Chauhan Sahab, Shriman Raje Ji, Atharva Ji, Gurugram ke Coordinator Shankar Sir, Jogendra Sir, Dean Directors, Radio City se Rajat Ji, Javed Ji, सारे आर्टिस्ट, आप सभी लोगों का और सारे स्टूडेंट्स वो सुपर जीरो में एक जो सुभाष सर ने पहले आपको बैकग्राउंड ऑफ कॉल किया मैं चाहूँगा आप सभी के लिए एक बार जोरदार वन सेकेंड कार्य होंगे और उनसे सबसे ऊपर जो आज मेंटल विराजमान है जिन्होंने आपको एक पाथ प्रदर्शन दिया है एक पथ एक पाथ दिया है उन सभी के लिए भी वन सेकेंड एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। पैसिफिक यूनिवर्सिटी जो कि करीब 24 इयर्स पहले 1997 में एस्टेब्लिश हुई थी और जैसे सुभाष सर ने बोला कि उनके एमए प्रीवियस में 42% मार्क्स थे वैसे ही हमने 30 स्टूडेंट के साथ में एक छोटा सा गुलाब बाग में कॉलेज चालू हुआ था और हमारे ट्रस्टी जो ऑनर है राहुल जी अग्रवाल उनका एक विजन था कि मैं अगर मान लो मुझे बाहर पढ़ने जाना पड़ रहा है और मुझे वहां पे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है चाहे मुंबई हो चाहे कोई और दूसरी सिटी हो तो क्यों ना मैं वहां पर उन्होंने महसूस किया कि हमारे लोकल जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाते हैं या बाहर नहीं जा पा रहे हैं और हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी की स्थापना करें जो उदयपुर के लोकल लोगों के लिए हेल्प करे बच्चा अच्छा घूम कर सके बच्चा अच्छा पढ़ सके अपने पेरेंट्स के साथ रह सके और कम खर्चे में उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो सके इसी उद्देश्य से आज हम लोग एक बहुत बड़ा वटवृक्ष के रूप में स्थापित हो सके पहाड़ यूनिवर्सिटी के अंदर करीब 21 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें मैनेजमेंट से लेके फार्मेसी लॉ कॉलेज होटल मैनेजमेंट कॉमर्स कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज योग शिक्षा एजुकेशन डेली पॉलिटेक्निक डेंटिस्ट्री ये सारे डिपार्टमेंट आ रहे हैं साइंस आर्ट्स और आप देखेंगे किस तरह का एक सारा डिपार्टमेंट हम लोगों ने आप सब लोगों के आशीर्वाद से आज यहाँ तक हम पहुंच पाए इसके अलावा मेडिकल यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपकी सिटी के अंदर दो मेडिकल यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक रूप से बिलोंग करती है और इसके अलावा भी हम अहमदाबाद सूरत जोधपुर जयपुर हमारे सारी ब्रांचेस वहां पे फैल चुकी मेरा कहने का तात्पर्य क्या है आज इस आयोजन के पीछे हम सब लोगों का एक थॉट प्रोसेस था आप देखेंगे अगर मान लो हम हर कंट्री की दूसरे कंट्री की बात करें हमारे 135 करोड़ की पॉपुलेशन है और हम पेरेंट ज्यादातर बच्चों को डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनाना चाहते हैं क्या आपने नाम सुना होगा मेसी का रोनाल्डो का वो किसी डॉक्टर और इंजीनियर से ज्यादा कमाते हैं और बहुत ज्यादा कमा रहे हैं किसी बिजनेसमैन से ज्यादा कमा रहे हैं क्या हम अपने बच्चों को उस लाइन में नहीं देखना चाहेंगे क्या पेरेंट्स में रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या आप उनको सिर्फ एजुकेशन और सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही को बनाना चाहते हैं आप उनको देखिएगा कि वो कितने खेलने में रुचि रखते हैं गर्ल में जलेबी था मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ
दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और पैसिफिक यूनिवर्सिटी को उसके 24 इयर्स कंप्लीशन और 24 इयर्स में जो उन्होंने कार्य किया पैसिफिक यूनिवर्सिटी ने, उसके हिसाब से हम लोगों को पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर सिर्फ पैसिफिक यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें जी न्यूज ने, जी हिंदुस्तान ने नंबर वन रैंक किया है और हमें एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड, एजुकेशन एक्सीलेंस 2021 अवार्ड आप सभी लोगों को समर्पित है, उन सभी मेंटर्स को और उन सभी सुपर स्टूडेंट्स को भी समर्पित है जिनके लिए हम अथक प्रयास करके इस तरह के प्रोग्राम रख रहे हैं और हमारा होलिस्टिक अप्रोच एजुकेशन का हो रहा है। आप देख सकते हैं पूरा लाइव प्रोग्राम था हिंदुस्तान पर, जी न्यूज पर, और वहां पर बहुत अप्रिशिएशन किया गया और ये कहा गया कि हम इस एजुकेशन पद्धति को कैसे बदल जाए। आपको ध्यान होगा कि जुलाई 2020 और जुलाई 2020 के बाद ये दो इवेंट एजुकेशन के फील्ड में याद रखे जाएंगे। जुलाई 2020 से पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं था और 2020 के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमने एस्टेब्लिशमेंट किया है और पैसिफिक यूनिवर्सिटी उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगा। और आप देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर स्किल बेस्ड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, इन सब बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। आप जो चाहे वो चूज कर सकते हैं, सारा फ्रीडम है आपको, आप अपने हिसाब से अपने बच्चों को। अब कहिए कि डॉक्टर्स इंजीनियर्स नहीं, हर कोई भी टॉपर जो लिखा हुआ है स्लोगन, सिर्फ टॉपर ही नहीं बन सकते हैं, हर कोई बन सकता है सुपर स्टूडेंट। और आप में वो सब सारी क्वालिटीज हैं। मैं आप सभी लोगों का पैसिफिक यूनिवर्सिटी के बीहा पे स्वागत करता हूं और आप लोगों को मैं हमेशा ये कहूंगा कि आप थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए। आपको अब सिर्फ पढ़ाई में तो ठीक है, पढ़ाई में आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको लिटरेचर का नॉलेज होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपको मैथ्स आनी चाहिए, लेकिन कभी ये मत सोचिएगा कि आप अगर मान लो कहीं कुछ हो जाता है तो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में कहीं कुछ भी एक्टिविटीज में अपना करियर बनाइए, वहाँ बहुत अच्छा एक्सलेंट करियर आपको वेट कर रहा है। दिन रात मेहनत कीजिए, आप वो अचीव करेंगे जो आपने सोच रखा है। ड्रीम रखिए, सपना रखिए अपने दिमाग में और उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए, जो विवेकानंद ने कहा था, स्वामी विवेकानंद साहब ने कहा। मैं आप सभी लोगों का मन से स्वागत करता हूँ और मैं अपना, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है, आप सब लोग अवार्ड के लिए वेट कर रहे हैं। मैं देख रहा था बाहर खड़े होकर सब लोगों को, पेरेंट्स को भी देख रहा था, मेंटर्स को भी देख रहा था और सारे स्टूडेंट्स को भी देख रहा था, बहुत सर्स के आए हैं। ये आज आपका दिन है, वंस अगेन बहुत सारी बधाइया सिलेक्शन होने के लिए। थैंक यू आपने बिल्कुल सही सही बात कही कि हमें सपने देखने थे और वो भी जागते हुए देखने थे, क्योंकि ये प्रांगण, ये हॉल उन्हीं सबसे भरा है जो सुपर है, बल्कि कोशिश करें सुपर से ऊपर जाने की, बड़ा फायदा, क्योंकि आज हम खाने से देख कर रहे हैं, कल कोई और करेगा। और ये बिल्कुल सही है, आप तो बहुत लकी हो, तो मेरे लेफ्ट में जितने बैठे हैं बहुत लकी है कि आपको आपके पेरेंट्स ने, आपके घर वालों ने म्यूजिक सीखने को, वरना हमें तो जब बचपन में थे तो ये बोला जाता था सामने नहीं, ये हाँ के नीचे होनी चाहिए म्यूजिक। इस खानदान का बच्चा म्यूजिक सीखेगा, म्यूजिक सुनना भी नहीं है, सीखना तो दूर की बात है। डिपेंड करता है आज के इस दौर में जब चीजें चेंज हो। आप इंडियन आइडल को देख लो, सुबह 4 बजे से लेके बच्चा तो सो रहा है, पेरेंट्स लाइन में खड़े हैं, यानी सबसे पहले उनके पेरेंट्स ने अपने आप को चेंज किया। सुपर डांसर आ रहा है, वहां के एक दादाजी ने कहा कि नहीं, मेरे घर के खानदान की कोई भी बेटी बाहर नहीं जाएगी, डांस नहीं करेगी, तो वही दद्दा जी आकर के बोल रहे इसकी वजह से मेरा नाम हो गया कॉलोनी में, कोई नहीं जान जाता आज पूरे संसार में जान रहे। जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं सोच लो, कॉलोनी, देश, संसार, आज की मट्टी आ गई। हमारे एक और कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर जोगेंद्र सिंह जी, मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि वो हमारे बीच जावेद सिद्दीकी साहब, लोकेशन हेड सेल्स,
आज मिस्टर रजत मैदानी साहब प्रोग्रामिंग हेड हमारे बीच में है, उनका भी वेलकम करें पायल यूनिवर्सिटी की तरफ से। सिर्फ एयरटेल वालों ने तालियां देते, मैं तो थोड़ी देर का मेहमान हूँ, बाकी तो बनी गई आवाज लो आप पीछे से भी इतनी आवाज आए, बड़ा फायदा होता है, हाथ हाथ खुल जाते हैं तो ठीक रहता है। Ladies and gentlemen, अब टाइम आ गया है उन दो लोगों को बुलाने का, आधे से ज्यादा मेरी देर आप उनको सुनने ही आए हो और आधे से ज्यादा उनके लिए आए हैं जो किसी को अवार्ड मिल रहा है। The one who now connects you with the remaining program of the Super Student Award Ceremony, who is popular among you, known for his voice, whom you keep on listening in the morning every day from 7 a.m. to 11 a.m., none other than Mr. or R.J. Suri and R.J. Damini, जिसने आपने कई बार सुना होगा, बात करता है पूरी tune into Suri every morning to kickstart your day with fantastic music and Damini, please come forward, the light is all yourself. क्या जोर से हम स्वागत कर सकते हैं दोनों का? मुझे तो लगा सर जिन्होंने हमारा वेलकम किया था और मैं पिछले आधे घंटे से उनको सुन रहा हूँ, आप बड़ा कमाल बोल रहे थे, मुझे लगा कि मुझे तो आज नीचे बैठना है, सुनना है नेटली बताओ, बहुत कमाल से आपने दिमाग को शुरू किया और सब लोगों का वेलकम किया, तो सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत थैंक्स कि आपने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया है कि मुझे नीचे से वापस आना पड़ा। हां जी, और मैं बुलाना चाहूंगा हमारे कपिल जी, इनकी अगर मैं डेजिग्नेशन दूंगा तो एक डेजिग्नेशन तो ये होल्ड किए हुए नहीं, और हमारे यहां पर पीआरओ है, हमारे यहां पर नीचे ऑफिस हेड भी यही है, मार्केटिंग हेड भी यही है, आपके यहाँ भी मैं देख रहे थे कि मतलब कोई सेल्स हेड है या तो मैं इन ओवरऑल जो इतने सारे पोस्ट को होल्ड किए मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि लगे हाथ आप दोनों का भी स्वागत करना चाहिए। देखो यार आप मंजूसी बहुत करते हो तालियां बजाने में, मैं तारीफ करने के लिए कितने लोग हैं या कितने लोगों ने नहीं अटेंड किया, ये पहला प्रोग्राम है, पब्लिक
पब्लिक इस तरह घुमा में हाथ खड़े करने का क्या बात। तो मुझे लगता है कि ये मौका पैसिफिक यूनिवर्सिटी और ग्रेडियस की हम लोगों का प्रयास है कि पब्लिक भी हम लोग एक दूसरे से मुलाकात कर पाए। और सर ग्रेडियस सुपरस्टार सीजन ठीक है, मैं बात करूँ तो इस बार का जो हमारा मोटिव था वो ये था कि देखिए 60% 10th और 12th 60% उससे ऊपर बनाने वाले लोगों को हमने इन्वाइट किया, साथ वो जो हमने अपने अपने साथ पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करने लगे, स्पोर्ट्स हो जाए डांस कहीं पे भी आपने पार्टिसिपेट किया तो वो लोग आज बन रहे हैं सुपर स्टूडेंट। सो अभी मेरे लिए वक्त बहुत बड़ा है, सीजन फर्स्ट में ऐसी मन से होस्ट कर रहा था, सबको इन्वाइट कर रहा था सुपर स्टूडेंट के लिए और मुझे लगता है ये पहला अवार्ड होगा। मैंने उदयपुर में नहीं सुना, मैंने कहीं नहीं सुना कि ऐसे स्टूडेंट को नवाबगंज जा रहा है जो पढ़ाई के साथ गेम स्पोर्ट्स या म्यूजिक किसी और कैटेगरी में भी आ रहे हैं। तो सुपर स्टूडेंट अवार्ड के लिए एक बार जोरदार तालियां। डांस वाले भी सुपर डांसर के लेके लेकर आ जाते हैं,
पापा उनका भी सोचो, टीचर्स का भी सोचो, दवे साहब हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको भी बोलो कि सुपर टीचर भी हो तो ज्यादा ठीक रहता है, ताकि हमारा जो मनोबल है दुनिया में तब एज बढ़ के हमें लगता है हमारे पास बढ़नी चाहिए, बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ कि बिल्कुल डाउन जाते जा रहे हैं, जैसे भी बालों का भी सोच रहा है क्योंकि पोस्ट होते हैं ना वो फिर बहुत ही रह जाते हैं। चलिए मैं बुलाना चाहूंगा उन सुपर मेंटर्स को जिन्होंने एक दिन नहीं 365 डेज मेहनत कर आप सबको इस मुकाम पे बैठाया है, पहुंचाया है। फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, हम 7 बजे उठने का प्लान कर रहे हैं, ये 7 बजे आकर के यहाँ कुछ ना कुछ गेम्स वगैरह और इनकी एक्टिविटी चालू हो जाती है। हम जब 9 बजे आ रहे होते हैं तो वाइंड अप होता है, हवा भी आती रहती है, तब पूछते हैं टोंगे में सर भी आ रहे थे, अरे भैया 7 बजे से काम चल रहा है, अब तो क्लासेस लगेगी। मतलब मेहनत, और अच्छी बात ये भी है कि हमारे जो स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी है वो भी उसी तन्मयता के साथ आकर के उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं और उनको भगवान का रूप मानते हैं, गुरु मानते हैं और एजुकेशन देते हैं। ये इस प्रोग्राम की, इस एजुकेशन की एक अच्छाई मानता हूं। मूविंग फर्दर एंड इनवाइटिंग द मेंटर्स वन बाय वन एंड रिक्वेस्ट द गैलेक्सी ऑफ गेस्ट टू प्लीज कम फॉरवर्ड ऑन द स्टेज to felicitate the mentors. Galaxy of guests. Padhare saab sabhi. Parivar saab padhare. आप लोगों की तालियां बजती रहनी चाहिए आपके मेंटर्स के लिए। बुलाना चाहूंगा आपका प्रभात साहब को, प्लीज कम फॉरवर्ड। सजनीत सिंह चौहान, सबसे पहले है आपका अब्बास, उसके बाद में दिलीप सिंह चौहान, मिस्टर जितेंद्र सिंह, क्या बात है, बधाई आपको। Thank you.
लता मैडम के बाद डॉक्टर पुष्कर चौधरी और चौधरी साहब के बाद राजकुमार जी Thank you.
श्याम सर
अच्छा शिया में डिग्री है तो वही मैं जानना चाहता था, बड़ा एक्साइटेड था आपको देख करके, मुझे आपसे बात करनी है। तो सर मैंने बोला ब्लैक बेल्ट गलत नहीं बोला? अच्छा वाह क्या बात है, जापान से ब्लैक बेल्ट आपका। अरे क्या उधर तो कितने थे? 35 ब्लैक बेल्ट इधर तो मैं जिसको आके तैयार किए रियल ब्लैक बेल्ट को मैंने तो दस्ती कर दिया था।
I want to say that martial art is not a fighting, it's a way of fighting. And also, this is all about science. So, when you take your hand, हमारे पोजीशन नावाज को